अभिभावकान प्रिय विद्यार्थी सभी का धन्यवाद. आपने सूरज पर विश्वास किया, आपने सूरज पर विश्वास किया कि मेरे अपने किड को, बच्चे को सूरज स्कूल में भेजूं. इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार, आपको धन्यवाद दे रहा हूं. सूरज अपना एक विशेष विजन तो समाज में एक भावना थी कि सूरज किस प्रकार के कदमों पर आएगा. धीरे धीरे सूरज ने अपना काम शुरू किया और आप लोगों ने, आपके अपने साथियों ने ये कहा कि सूरज बच्चों के साथ काम कर रहा है. प्रिय अभिभावकन, सूरज 1999 में आया. उसके पश्चात धीरे 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 हर पेरेंट ने अलग से ये सोचा कि सूरज में काम हो रहा है, सूरज में बच्चे की परवरिश हो रही है, सूरज में एवरी स्टूडेंट इज ए स्पेशल कंसीडर किया जा रहा है. ये हम आपसे वादा करते हैं कि गुड़गांव शहर में जब आप अकेले में होंगे, जब अपने बच्चों के साथ घर में होंगे, तो आप एक दिन महसूस करेंगे कि मेरे बच्चे ने स्कूल में कुछ चीज नया ग्रहण किया. हम एक बार परफेक्ट तो नहीं है, प्रयास कर रहे हैं. प्रयास के तहत पहली साल आपको शायद परेशानी आई होंगी, लेकिन अगले साल शायद आप अच्छा महसूस करेंगे, उससे अगली साल और अच्छा महसूस करेंगे, और उसके अगली साल आप ये महसूस करेंगे कि हमारा फैसला अच्छा है. मैं उन अभिभावकों को सलाम करता हूं, उन माताओं को सलाम करता हूं जिन्होंने हम पर विश्वास किया. आपने भी शायद पढ़ा होगा, बुजुर्गों से सुना होगा कि आज हम जो हैं उसमें मात्र 10% ब्रेन या हेरिडिटी है, 90% माइंड या वातावरण है. और उस वातावरण को प्रभावित कौन कौन कर रहे हैं, आओ थोड़ा सा सोचें. सबसे पहले माँ बाप. माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं विकास दें, माँ बाप चाहते हैं बच्चे में बहुत अच्छे गुण आए, माँ बाप चाहता है कि बच्चा हमारा नाम रोशन करे. परंतु माँ बाप इस बात को भूल रहे हैं कि अपना किया हुआ कार्य बच्चे पर प्रतिबिंब है. आओ हम अपने आप में सोचें, क्या हम माँ हैं, क्या हम पिता हैं? और यदि हम माँ हैं तो वो स्त्रियां जो माँ हैं उनको हम प्रणाम करते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रही स्त्री माँ बनकर. पुरुष जब पिता बनता है तो ये सोचे कि मेरा बच्चा मेरा प्रतिबिंब है. और अक्सर रूप से बच्चे के मन में एक द्वंद आ जाता है. द्वंद बच्चा कहते भगवान का रूप है, लेकिन बच्चा देखता कुछ है, महसूस कुछ करता है, उसके मन में कुछ है. हम वातावरण से उस बच्चे पर अपने विचार थोपते हैं. बच्चा कहता है मेरे माँ बाप उन्हें कामों के लिए मुझे मना करते हैं जिनको छिप छिप कर माँ बाप स्वयं करते हैं. बच्चा द्वंद में आ जाता है. इसलिए आओ, आपने बहुत बड़ा कर्तव्य किया, इसलिए अपने बच्चे के सामने ये कहें कि नहीं. वो बच्चा ये कहे कि मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, एक दिन शायद आप अच्छा महसूस करेंगे. बच्चा विद्यालय में आता है, शिक्षक से सीखता है, शिक्षक स्वयं उस बच्चे को उठाने के बजाय शिक्षक उस पर विचार डालते हैं, और बच्चा फिर द्वंद में आ जाता है. माँ बाप कुछ कहते हैं, समाज कुछ कहता है, शिक्षक कुछ कहता है, फिर बच्चा कहता है मैं क्या करूं, और बच्चे में द्वंद आ जाता है. और उस द्वंद के समय हमें बच्चे को सहारा देना है. अध्यापक वो जो बच्चे को उठाए. आओ अध्यापकन, बच्चे को उठाने का प्रयास करो. फिर आता है स्कूल का वातावरण, और स्कूल के वातावरण में मैं आपको, मेरी बच्चियों ने भी कहा कौन से ऐसे उदाहरण है, कौन सा आपके चलने का तरीका है, कौन सा आपका व्यवहार है जिससे सूरज इतनी बुलंदियां छू रहा है. और उसके लिए मैं आपको एक बार लेकर चलता हूं. हम में सब कुछ है, लेकिन पता नहीं किस कारण से हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे. वो पीछे के हमने पढ़ा था, एक चित्रकार के मन में आया कि मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति का एक चित्र लूं. वो गांव-गांव में गया, शहर शहर में गया, उसने एक गढ़रिये का चित्र लिया और अपने चित्रालय में के अंदर उसका चित्र लगा दिया. हसमुख चेहरा, बहुत बढ़िया चेहरा. कुछ समय के पश्चात चित्रकार के मन में फिर आया
कि मैं अब एक ऐसे व्यक्ति का चित्र लूं जो बात ही घृणित हो, लोग उसकी निंदा करें, वो स्वयं दुखी हो, वो संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो। जगह जगह घूमा, एक जेल में गया, एक व्यक्ति रो रहा था, उसने कहा भाई इसने क्या, उसने कहा उसकी सात हत्याएं की इसने, और उसके पास गया, उसका चित्र लिया, और धीरे धीरे जो चित्र लिया तो उसने देखा कि कहीं चित्र मिल रहा है। चित्र को जब निखारा तो चित्रकार ने फिर देखा चित्र का मिलान हो रहा है, तो उसने कहा भैया पहले आप क्या किया करते। वो आदमी रोने लग गए, कहता है पहला चित्र भी मेरा है और दूसरा मेरा है। सोचे हर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी बातें हैं, और उसी व्यक्ति में कुछ बातें ऐसी हैं जो उसको नीचे ले जा रही है, और यही वातावरण है। रेत जब पानी के साथ चलता है तो नीचे जाता है, और वही रेत को हवा मिल गई तो ऊपर जाता है। इसलिए आओ हम वातावरण पैदा करें कि बच्चा छिप छिप कर ये देखे, सामने ये देखे कि मुझे कहाँ जाना है। ये अपना काम है, माँ बाप स्वयं एक बार अपना आए, शिक्षक स्वयं आए, विद्यालय प्रयास कर रहा है, परफेक्ट नहीं, विद्यालय प्रयास करेगा। और प्रयास करने की एक ही बात है, वो राजा का एक बहुत पुराना सेवक था, और बहुत पुराना सेवक था, राजा उसे बड़ा प्यार किया करता, लेकिन एक दिन पता चला कि उस सेवक ने कोई गलती कर दी, और उस गलती का एक ही खामियाजा है मौत। राजा ने कहा ठीक है मैं मंजूर, सेवक को मार दिया जाए। बहुत प्यारा सेवक, और राजा ने हुक्म दे दिया सेवक को मार दिया जाए। सेवक ने क्या कुछ नहीं कहते, राजा की गाड़ी घोड़े की पछाड़ी मारी। कहते हैं राजा का हुक्म था, सेवक ने कहा मंजूर है, लेकिन राजा के बारे में कहते हैं राजा बड़ा तलवार का धनी था, तलवार के माने में उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तलवार का धनी था, तलवार के मामले में दूर दूर तक उसका एक रुतबा था। राजा ने कहा तू बहुत सेवा करता है मेरी, बहुत अच्छा मेरा सेवक है, तेरी मौत मैं सीधे रूप से नहीं, हम मैं तलवार से लड़कर करेंगे, तलवार दे दो। सेवक ने कहा मारना है वैसे मार लो, तलवार क्यों, तलवार तो मैंने चलाई नहीं, सीखी नहीं कभी, तलवार क्यों दे रहे हैं आप मुझे। राजा ने कहा नहीं, हमारा हुक्म है कि हम तलवार के साथ लड़ेंगे आपसे। और सेवक ने मन को थोड़ा सा संकोच माया, तलवार उठा ली, और दोनों तरफ तलवारें चली, खनाखन। एक दो मिनट के पश्चात सेवक में क्या ताकत आई कि तलवार प्रबल हो गई, और राजा की तलवार को काटने लग गया। लोग देखने लगे क्या हो गया, सेवक ने तलवार देखी नहीं, सेवक ने तलवार कभी देखी ही नहीं थी, और वो सेवक इस प्रकार से तलवार चलाने लगा कि राजा भी मजबूर हो गया कि तलवार सिखाई कौन। सभी के सभी पंडाल में बैठे थे, सभी दरबार में थे, उन्होंने कहा एक नई चीज, और कहते हैं कि तलवार सेवक ने इसने किस कदर चलाई, राजा पीछे होने लग गया। और अंत में राजा को पता लग गया कि तलवार से तू हारने वाला है। कहते हैं कि रुक गया, और राजा सेवक के चरणों में चलाकर उसने कहा कौन सी ताकत है, कौन सी देवी शक्ति आपके पास। और मैं सभा को यहां ले जाना चाहता हूं, ये जिंदगी का एक अहम पहलू है, ये कौन सी ताकत है जो चाहे आदमी कर नहीं सकता, ये कौन सी ताकत है कि हम अपने आप को ये कहते हम कर नहीं सकते फिर कर जाते हैं। सेवक ने क्या उत्तर दिया, सेवक ने कहा मान्यवर ये भी मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि जिंदगी आखिरी में जो कर सकता हूं कर लो, पर जब लगता है कि जिंदगी सर्वाइवल पर है, पता है जिंदगी जब तोड़ पर, तो आओ पूरी ताकत लगाते। और वो पूरी ताकत मां बने, पिता बने, अध्यापकों विद्यालय हो, और सूरज आपके साथ रहे, और सूरज अपना वादा करता है कि आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कह पा रहा क्योंकि मेरे अपने मुंह से ही कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि विद्यार्थी हमारे लिए विशेष है, विद्यार्थी छोटा नागरिक बनेगा, नागरिक बनकर वो समाज की सेवा करेगा, वो राष्ट्र के काम आएगा, वो ये सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ उसके मन में अंदर घुस जाएं और उसके मन में आइडिया प्रवेश करें कि नहीं ये मेरा अपना है, मेरा अपना एक इंसानियत की उसके अंदर एक नई बात आए। मैं अभिभावकों को सलाम करता हूं, और अभी आप जिन जिन साथियों ने, आनंद जी ने जो प्रयास किया, एक अच्छा प्रयास है, शायद भविष्य में बहुत अच्छे सपने लिए, आपके साथ
आपके साथ हमेशा मेरा नमस्कार।